हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमंत इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डिमांडेबल वीडियो है, क्योंकि ये आप सभी की डिमांड पर वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम पढ़ाई करते हैं, हमारे क्वेश्चन याद नहीं होते, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसी कोई वीडियो बनाओ, ऐसा कोई चीज़ बताओ जिससे कि हमारा पढ़ाई में मन लगे। तो आज का टॉपिक ही ये रखा है हमने, वीडियो का टाइटल ही ये है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, यानी कि पढ़ाई की लत कैसे लगाएं अपने अंदर, एक पढ़ाई की आग कैसे जलाएं, और ऐसा क्या करें कि घंटों घंटों हम पढ़ें। तो उसके लिए हम देखिएगा बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, बिल्कुल बेसिक से पहले समझते हैं कि आखिर लत कैसे लगती है पढ़ाई की या किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो देखिए, आपका ये मोटिवेशनल टाइप की वीडियो है और ये आपका ये समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल वीडियो इसलिए बन जाता है क्योंकि आपका दिसंबर लगभग खत्म हो गया, जनवरी आ गया, और जनवरी के बाद में भी आप नहीं जागे तो आपका ये समझ लीजिए बिल्कुल भी कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च के बाद में प्रेशर इतना आ जाता है कि पेपर नज़दीक आ जाते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह वगैरह, और डेट शीट आपके हाथ में रहेगी तो प्रेशर इतना आ जाएगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी समय है, समय रहते समझ गए बातों को तो ठीक, अदरवाइज फिर आपका, और ये ट्वेल्थ के नंबर आपके पूरी जिंदगी का बेस रहते हैं, यही है जंक्शन पॉइंट। यदि ये अच्छे बने तो ये समझ लीजिए आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा, और यदि ये खराब हो गए तो सारा कुछ बेकार हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना, इंटर आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है आपके जीवन में, आपको आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए इंटर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करो जितना हो सके उतना, ठीक है। अब फिलहाल हम बात चलते हैं लत कैसे लगती है किसी भी चीज़ की। जैसे कि हमने कभी देखा, आदमी एक जुआ खेलने वाला होता है या कोई दारू पीने वाला व्यक्ति होता है या सिगरेट बीड़ी गुटखा खाने वाला, तो उसको लत कैसे लगती है सबसे पहले। तो कभी देखा होगा आपने, कोई भी बच्चा है तो मान लीजिए, या कोई आदमी है उसके दोस्त सिगरेट वगैरह पीते हैं, वो नहीं पीता है, तो उसके दोस्त कहेंगे भाई पी ले, वो मना करेगा शुरुआत में, लेकिन उसको कहेंगे अरे पी के देख, तो वो पी ले, पहले पिएगा उसको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फिर वो दूसरे दिन जाएगा, उसको दूसरे दिन भी उसको अजीब लगेगा, मना करेगा, लेकिन जबरदस्ती उसको पिलाएंगे। अब धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि वो एक दिन में ही पूरी डिब्बी की डिब्बी खत्म करेगा, ऐसा नहीं रहेगा, पहले वो मना करेगा लेकिन उसके दोस्त उस पर प्रेशर डालेंगे, वो उस समय पर पी लेगा, माहौल बन जाएगा ऐसी दारू का, अरे नहीं नहीं पी के देख क्या होगा, नहीं 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 वो मना करेगा, वो कहेंगे अरे नहीं पी ले, कि कोई देख लेगा, अरे नहीं कोई नहीं देखेगा, कि घर पर पता चले, कोई ना पता चलेगी, ऐसा करके उसको पिला देंगे। अब उसको अजीब लगेगा पहले दिन तो बहुत ज़्यादा, लेकिन दूसरे दिन फिर मतलब कभी टाइम मिला फिर पी लिया, ऐसे धीरे धीरे करके उसकी हैबिट में आ जाता, फिर वो अपना पहले पौवा से शुरू करेगा, क्वार्टर हाफ अद्धा, फिर बोतलों के बोतल, और दर्जनों के दर्जन फिर खाली होती रहती हैं। ऐसे ही आपका बीड़ी सिगरेट, पहले वो एक दो दम लगाएगा, छोड़ दी है, फिर दूसरे में पूरी मारेगा, फिर कुछ दिन बाद वो डिब्बी मारेगा, पहले दूसरों के पैसों से चल रही थी बात, फिर वो अपने पैसे खर्च करेगा, पहले अपने माँ बाप से छुपके करेगा, फिर ऐसा समय आएगा अपने माँ बाप के सामने ही पीने लगेगा। तो यही लत है। तो लत कभी भी एक साथ नहीं लगती, एक दिन में नहीं लगती है, वही काम तुम्हारे साथ हो रहा है, यानी पढ़ाई तुम चाह रहे हो एक दिन में आप पूरे 24 के 24 घंटे पढ़ लोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आपको बनानी पड़ेगी लत पढ़ाई की। पढ़ाई की किसी भी चीज़ की लत बनानी पड़ती है, और वो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो बनाने के लिए देखो मैं आपको सिंपल से दो तीन रास्ते बताऊंगा, वो उन पर चलना, और मैं ये कह रहा हूँ निश्चित रूप से आपका 11-12 दिन इस चीज़ को फॉलो करोगे मेरे बताए हुए 3-4 स्टेपों को, तो निश्चित रूप से आपका पूरा घंटों घंटों और पढ़ाई करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपका मन इतना लगेगा एकदम लत बन जाएगी। आदमी देखा ना, दारू पीने वाला आदमी पूरे दिन दारू मांगेगा, या बीड़ी पीने वाला, उसको बीड़ी नहीं मिलती है तो तलबलाता हुआ डोलता रहता है, तो वही काम तुम्हारे साथ हो जाए, तो जब तुम पढ़ोगे नहीं तुम्हें नींद भी नहीं आएगी, ऐसी लत लग जाएगी। तो उसके लिए करना क्या है, अब थोड़ा सा एक साइंस का फैक्ट समझो, साइंस क्या कहती है कि मान लीजिए आपको भूख लग रही है, सुबह आपको भूख लगी और भूख लगने के तुरंत बाद ही आपको 17 प्रकार के व्यंजन दे दिए जाएं। जैसे मान लीजिए तुम दावत में चले गए, दावत में ले जाए, वहां पर तुमने शाही पनीर खाया है, बटर नान खाई आपने, चिल्ली पटेटो खाया, पता नहीं दुनिया भर की सारी चीज़ें खा ली आपने, फूफड़ का रसगुल्ला खा लिए, गाजर का हलवा खा लिया, टिक्की समोसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारा कुछ खा लिया, मतलब पेट हो गया आपका टन। अब उसके बाद तुमने ये सुबह खा लिया, उसके बाद दोपहर को तुम्हारा टाइम हुआ तो क्या खाना खाने का मन करेगा, नहीं, क्योंकि आप पहले से ही टुल लो हैं एकदम पूरा, एकदम नर नातक भरी हुई है आदमी, बारात में तो पूरा भर लेता है, तो उस समय आपको खाने का मन नहीं करेगा। या मैं कहूँ सुबह खाओगे तो शाम को भी हो सकता है आपको खाने का मन ना करे, अरे यार मेरा तो पेट पहले सुबह से ही, तो वो चीज़ होती है उसी तरीके का रहता है कि मान लीजिए आप पहले दिन, एक तो तुम पढ़ ही नहीं रहे, और एक दिन ही जाके तुमने पढ़ा और 2-3 घंटे पढ़ लिया खींच करके, तो तुम मैं कहा अगले 2-3 दिन बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा आपका, क्योंकि आपका पहले से ही मन भर गया,
जैसे वो ना खाना वाला खाना खा लेगा तो फिर उसके बाद खाना देंगे उसका मन नहीं करेगा, तो हल्की भूख भी लगेगी तो वो फिर भी उसे इग्नोर कर देगा, यार अभी नहीं है पेट में जगह नहीं है। वही चीज आपको पढ़ाई के साथ रहती है कि आप शुरुआत यदि कर रहे हो तो शुरुआत करो 20 मिनट से। आप पहले दिन केवल और केवल 20 दिन पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, पहले दिन नहीं मतलब पहली बार में 20 मिनट पढ़ो, और वो सब्जेक्ट पढ़ो जो सबसे इजी है, सबसे इजी वाला सब्जेक्ट। यदि थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसका सबसे इजी टॉपिक लो और 20 मिनट पढ़ो, 20 मिनट नहीं तो 15 से स्टार्ट करो 15 मिनट, और फिर आप 10 मिनट का गैप लो, 10 मिनट का क्या लो गैप, रेस्ट लो, मोबाइल चलाओ, कुछ भी कर लो रेस्ट, मतलब दिमाग को किताबों से अलग ले जाओ, फिर उसके बाद में फिर 15 मिनट पढ़ो, फिर अरे उसे बंद करो तो ओए बंद करो, ठीक है, तो फिर 10 मिनट की जगह फिर आपका 10 मिनट रेस्ट लो, फिर 15 मिनट पढ़ाई करो, फिर आप 15 मिनट पढ़ो 10 मिनट का फिर रेस्ट लो, ये काम करो एक दिन 3 या 2 ही राउंड लो, फिर उसके बाद में फिर 1 घंटे का गैप लेने के बाद में फिर यही काम करो, तो आप देखोगे कि आपको मतलब थोड़ा सा होता है ना कि आपको मतलब जैसे भूख लगी तो 4 रोटी की आपके पास भूख लग रही है, 4 रोटी की भूख लग रही है और आप पहले ही उसमें 5 रोटी पेट में भर लोगे तो फिर आपका मन नहीं करेगा रोटी की तरफ देखने का। लेकिन यदि आपको 4 रोटी की भूख लग रही है तो आप केवल यहां पर 3 रोटी खाओ तो अभी भी आपको 1 रोटी की भूख बाकी है, तो मतलब क्या अभी भी तुम रोटियों पर ऐसा करके यार एक और मिल जाए, भूख रहेगी ना 1 रोटी की तो आपको ऐसा लगेगा अभी भी मैं 4 रोटी खा लूंगा 5 रोटी खा लूंगा, लेकिन 1 ही रोटी खाओगे। तो उसी तरीके से आपकी यदि कैपेबिलिटी है आपकी 20 मिनट पढ़ने की तो आप केवल 15 मिनट पढ़ो, यदि आपकी कैपेबिलिटी है 30 मिनट पढ़ने की तो आप केवल 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का छोड़ो, ज्यादा मत पढ़ो 5 मिनट छोड़ो, ताकि आपको 10 मिनट बाद फिर आपका मन करे कि हाँ अभी तो यार कुछ नहीं पढ़ा, फिर वो 20-25 मिनट खत्म हो जाए क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी है 30 मिनट की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट पढ़ना है 25 मिनट पढ़ना है, ताकि आपको लालसा रहनी चाहिए उसका, मन आपको पढ़ाई के लिए मतलब वो करना चाहिए, पीछे से प्रेशर पड़ना चाहिए कि यार अभी थोड़ा सा और पढ़ना है, तो वो चीज आपको ये करनी है माइंड में डालनी है। तो आपको सबसे पहले और सबसे पहले एक बात अपनी खोपड़ी में बैठानी है कि आपको शुरुआत करनी है 15 मिनट से, 15 मिनट पढ़ो फिर 10 मिनट का गैप लो, फिर 15 मिनट पढ़ो फिर 10 मिनट का रेस्ट लो गैप लो, फिर 15 मिनट पढ़ो फिर 10 मिनट का गैप लो। अब क्या करना है, ओवरऑल बात यह है कि आपको किस तरीके से अपने स्टेपों को बढ़ाना है। देखिए पहले दिन 15 मिनट से स्टार्ट करो कि आपको पहले 15 मिनट इजी सब्जेक्ट पढ़ना है, 10 मिनट का गैप लेना है, फिर 15 मिनट पढ़ना है, फिर 10 मिनट का गैप लेना है, रेस्ट, अपने माइंड को रिलैक्स करना है, किताबों से अलग ले जाओ मन को, मतलब 15 मिनट पढ़ाई करने के बाद फिर पढ़ाई को तो देखो ही मत थोड़ा सा इधर। अब ऐसा मत करना कि 15 मिनट पढ़ाई कर ली 10 मिनट के रेस्ट के चक्कर में 10 मिनट की जगह 10 घंटा लगा दिया पता ही ना चला, दोबारा लौटे ही ना किताबों की तरफ, नहीं मन को थोड़ा सा अजीब लगता है ना शुरुआत में, पहले देंगे ना किसी आदमी को जो दारू ना पीता हो, दारू पी ले वो पिएगा नहीं, उसे जबरदस्ती पिलाई जाती है, प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसके ऊपर तब जाके वो उसको पीता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है उसको एक बार में ही उसने मतलब दारू चरस गांजा या कोई भी अफीम वगैरह का लत लग गई, नहीं, उसको सबसे पहले हल्की मात्रा मतलब छोटी क्वांटिटी में पहले थोड़ा उसको चस्का दिया जाता है, फिर वो चस्का लग जाता है तो फिर तो वो अपने आप करने लगता है। तो वही चीज आप पढ़ाई को अपने आप को चस्का दिलाना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं लगेगा, उस पर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा तब जाके आपको पढ़ाई का चस्का लगेगा। तो सबसे पहले 15 मिनट आए तो 10 मिनट बोले ना थोड़ा सा, ज्यादा ना आए तो थोड़ा सा बोले, बीड़ी पी आ रहे हैं उसको सिगरेट पिलाना सिखाना है तो पहले पूरी सिगरेट नहीं, चल एक दम ले ले एक एक आ एक कर एक और ले ले ऐसा करके, मतलब तो वो चीज होती है ना, तो ऐसी पहले क्या करना हल्का हल्की सी पढ़ाई ज्यादा सा गैप, वो क्या कहेगा थोड़ा सा पिएगा ज्यादा डरेगा, थोड़ा पिएगा ज्यादा डरेगा, फिर धीरे धीरे करके ज्यादा पिएगा कम डरेगा, फिर क्या ऐसा समय आएगा कि पिएगा ही पिएगा बिल्कुल नहीं डरेगा। तो वही काम, पहले कम पढ़ाई ज्यादा रेस्ट, फिर क्या करें दूसरे दिन 15 की जगह 17 मिनट पढ़ाई करो 9 मिनट रेस्ट लो, फिर तीसरे दिन 18 मिनट पढ़ाई करो 8 मिनट का रेस्ट लो, चौथे दिन 20 मिनट की पढ़ाई करो 7 मिनट का रेस्ट लो। पढ़ाई को बढ़ाते जाओ रेस्ट को कम करते जाओ, और मैक्स टू मैक्स कहां तक पहुंचाना है, 7वें 8वें दिन आपको क्या करना है 25 मिनट पढ़ाई और हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का गैप देना है, और इसको हमेशा ऐसा नहीं कि 50 मिनट पढ़ाई कर दो 1 मिनट का गैप, नहीं बस 25 तक रोकना है, 25 मिनट पढ़ाई 5 मिनट का गैप, राइट, और उसके बाद कई राउंड बनाओ 1 2 3 4 5, ठीक है,
ऐसे करके, राइट। और फिर अपना फिर क्या करना, फिर दो दो सब्जेक्ट का पेयर बना लेना, एक हार्ड एक इजी, हार्ड इजी हार्ड इजी, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी। मैं कह रहा हूं इस चीज को आप केवल और केवल आपको क्या करना है, 10 से 15 दिन लागू करो, निश्चित रूप से आपको पढ़ाई घंटों घंटों और करोगे, यानी कि जो इस समय कर रहे हो उससे डेफिनेटली 3 से 4 गुना ज्यादा, ये मैं कह रहा हूं दावा के साथ कह रहा हूं, आप 3 से 4 गुना ज्यादा करोगे पढ़ाई निश्चित रूप से। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अपने आपको लत लगानी है, और दिमाग में ये चीज रखो कि छोटा बच्चा होता है उसको देंगे ना सबसे पहले, जो आप दूसरी मतलब 2-3 साल का बच्चा है उसको यदि हम कॉपी पेन देंगे तो वो ABCD नहीं लिख पाएगा, ए फॉर एप्पल नहीं लिख पाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको पेन हाथ में पकड़ना सिखाना पड़ता है, देन उसके बाद में हमें उसको ऐसे ABCDE ऐसे बनानी पड़ती है जो उसके ऊपर वो पेन फिर आता है, फिर उसके बाद में हम उसको एक पुस्तक ला के देते हैं उसमें से फिर वो ABCD फिर लिखता है, फिर उसके बाद में हम वो ALPLE पर लिखता है, B4 boy C4 cat बोलता है, तो वो डायरेक्टली एक बार में ये सारा कुछ नहीं लिखते थे, आप भी एक बार में नहीं सीखे थे पेन चलाना, उसके थोड़ा समय देना पड़ता है, राइट। तो ये चीजें रहती हैं, क्लियर होगी बात। तो हमेशा याद रखना इस बात को कि एक बार में आप सोचो कि नहीं मैं 50 घंटे पढ़ लूंगा, नहीं, धीरे 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 स्टार्ट करो, बोलते ना सीढ़ी से सीढ़ी चलते रहो तब जाके ऊपर पहुंचोगे, ऐसा नहीं कि एक बार में नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं कह रहा हूं 15 दिन ये काम करो, निश्चित रूप से आप घंटों घंटों पढ़ोगे, ये गारंटी की बात है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ ही पाए होंगे कि लत किसी भी चीज की एक साथ नहीं लगती है, उसको पहले समय देना पड़ता है, किसी भी चीज की, चाहे वो चरस की हो, गांजे की हो, अफीम की हो, दारू की हो, बीड़ी की हो, सिगरेट की हो, गुटखा की हो, किसी भी चीज की लत हो, वो एक साथ नहीं लगती है। उसको सबसे पहले जो अनजान व्यक्ति रहता है, कोई भी क्रिमिनल होगा, चोरी करने वाला होगा, तो उसने जब पहली बार चोरी की होगी तो वो जरूर डरा होगा, जरूर वो सहमा होगा, जरूर उसके मन में थोड़ा सा डर होगा, पर उसको किसी ना किसी चीज का प्रेशर होगा जिसके आवेश में आकर उसने चोरी की, किसी ना किसी चीज का प्रेशर जरूर हुआ होगा किसी व्यक्ति पर जब उसने चरस पीना शुरू किया, किसी ना किसी चीज का प्रेशर जरूर हुआ होगा जब उसने बीड़ी गुटखा खैनी वगैरह जो भी चीज की गलत चीज की आदत उसने डाली थी। तो आदत बनने में समय लगता है और शुरुआत में प्रेशर, तो इसीलिए सभी से मैं कहता हूं कि आप अपने दिमाग पर प्रेशर क्रिएट करो पढ़ाई का और अपने आप में आदत बनाओ। जैसे ही आदत बनी लत बन गई फिर उसके बाद में, तो आपका ओवरऑल बात यह है पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, आप शुरुआत में ऐसा नहीं कि एक घंटा पढ़ लोगे तो फिर पूरे दिन नहीं पढ़ोगे, इसीलिए आप सबसे पहले 15 मिनट पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, 4 मिनट पढ़ो, पर पढ़ो कम, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उससे थोड़ा कम पढ़ो, और देन उसके बाद में फिर समय को इंक्रीज करते जाओ, रेस्ट को कम करते जाओ, तो आप देखोगे पढ़ाई में लत लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा कि आप घंटों घंटों पढ़ोगे, राइट। तो आई होप कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है ये आपको समझ में आ गई होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, आपको कोई समस्या परेशानी आपत्ति विपत्ति कुछ भी है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। तो बाकी मिलते हैं खूबसर सी वीडियो में, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को हर दोस्त के साथ, हर किसी के साथ शेयर करना जो भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है। तो आपको लत बनानी है और लत के लिए पहले अपने दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना है, और जिस दिन तुमने प्रेशर थोड़ा सा क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, अरे नहीं बस थोड़ा सा पढ़ना है, अपने दिमाग में थोड़ा सा लाना जरूर है कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि ऐसी कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है कि जो आपको एक साथ अपने आप पढ़ा दे, नहीं, उसमें थोड़ा सा प्रेशर आपको लाना पड़ेगा, किसी के माता पिता प्रेशर डालते हैं, कोई बड़ा भाई, कोई भी, या अपने घर में कहो कि भैया हमें थोड़ा सा टोक पढ़ने के लिए, तो आपकी आदत बन जाएगी, और फिर आदत बनी तो घंटों घंटों पढ़ाई होगी, पता ही नहीं चलेगा घंटे निकल गए। फिर मैंने बोला था ना 25 मिनट, फिर 25 की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो चलती रहेगी पढ़ाई। तो बाकी मिलते, एक वीडियो और मैं लेकर आ रहा हूं जिसमें आपका यानी जनवरी से कैसे स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा, वो वीडियो अभी आने वाली है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी मिलते हैं कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।